नमस्कार, नौ दिन नौ मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। चंद्र हासो ज्वल करा शार्दूल वर वाहन, कात्यायनी शुभम दत्याद देवी दानव घातिनी। हाथ में चमकती हुई चंद्रहास नामक तलवार धारण करने वाली सिंह वाहिनी और दानवों का संहार करने वाली माँ कात्यायनी कल्याण करें। नवरात्रि में छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी घातक दंभ का नाश करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती की उपासना की। कठिन तपस्या के बाद माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ ने दैत्य महिषासुर के आतंक को समाप्त कर उसका संहार किया और सृष्टि को भय मुक्त किया। माता कात्यायनी अपने भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय हर लेती हैं। पाप नाशनी माँ के चरणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह को नियंत्रित करती है। नवरात्र के छठे दिन माँ की आराधना करते हुए ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित किया जाता है। आज्ञा चक्र छठा मूल चक्र है जो दोनों भावों के बीच स्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने पर परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा से परम आनंद प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी की साधना आरंभ करते हुए सर्वप्रथम कलश का रूली अक्षत द्वारा पूजन करते हैं और इस मंत्रोच्चार द्वारा माँ कात्यायनी का स्मरण करते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्थ कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी, स्वर्ण आज्ञा चक्र स्थिताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम, वरा भीत कराम शगपद धराम कात्यायन सुताम भजाम। सभी शुभ मनोरथों को पूर्ण करने वाली मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित सिंह वाहिनी माँ कात्यायनी को नमस्कार है। माँ के तीन नेत्र और चार भुजाएं हैं। माँ की दो भुजाओं में तलवार और कमल का पुष्प है और शेष दो भुजाएं अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। इस प्रकार माँ का ध्यान करते हुए धूप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। अब हाथ में फूल लेकर मंत्र पाठ द्वारा माँ की आराधना करते हैं। कंचनाभा वरा भयम पद्मधरा मुकुटोज्वलाम स्मेर मुखीम शिव पत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते, पट्टाम्बर परिधानाम नाना लंकार भूषिताम सिंहस्थिताम पद्महस्ताम कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। स्वर्ण कांति से युक्त कमल के आसन पर विराजमान उज्ज्वल मुकुट धारण करने वाली मधुर मुस्कान वाली भगवान शिव की प्रिया माता कात्यायनी को नमस्कार है। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हाथों में सौभाग्य सूचक कमल धारण करने वाली दिव्य आभूषणों से सुसज्जित महर्षि कात्यायन की पुत्री को नमस्कार है। परम आनंद प्रदान करने वाली परम तत्व का ज्ञान देने वाली परम शक्ति माता कात्यायनी को नमस्कार है। इस आराधन मंत्र के साथ पीले फूल अर्पित करते हैं। माँ को हल्दी की गांठ और लाल वस्त्र चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम कात्यायनी देवे नमः। मांगलिक कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवीपतिम मे कुरु ते नमः। इसके बाद माँ की कथा सुनते हैं, भोग लगाते हैं और माँ की आरती करते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो रोग, शोक, संताप और भय का नाश करे, जीवन में अपनी ऊर्जा का संचार करे। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूले @ राजूला शो।